हेलो एवरीवन चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू सेशन को और हमारा आज का टॉपिक होगा चैप्टर नंबर टू जिसका नाम है ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम दो पार्ट में हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे पार्ट वन में हम बात करेंगे इंडिविजुअल एमसीक्यूज की एंड पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड केस स्टडीज को तो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं इंडिविजुअल एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर इन चीजों का ध्यान रखिएगा आपसे करेक्ट पूछा गया इनकरेक्ट पूछा गया कंसिडर्ड पूछा गया नॉट कंसीडर्ड पूछा गया इन प्लानिंग एंड ऑडिट प्लानिंग में क्या चीज कंसीडर नहीं होगी ंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ एन एंटिटी कंसिडर होती है नीड टू कंसिडर डिटर्मिनेशन ऑफ मेटीरियलिटी यह भी कंसिडर होता है नीड टू कंसिडर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट यह भी कंसिडर होगा हमने जब एक्टिविटी को डिस्कस किया था तो उसके अंदर हमने बात की थी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिटर इज़ असेसमेंट प्रोसीजर एज पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कंसिडरेशन ऑफ मेटीरियलिटी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट लेकिन इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस ये तो जब ऑडिट एग्जीक्यूशन स्टेज आएगी ऑडिट एविडेंस कलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद ही तो इवेल्युएशन आएगी ध्यान आ रहा है तो अब आपका जो एक काम और बनेगा चीजों को साथ साथ रिवाइज करते चलना है लर्निंग के पर्पस के लिए जैसे ये एक टॉपिक था हमारा प्लानिंग अ अंटिन्यूस प्रोसेस कि प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज रादर इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दैट बिगेन्स शोर्टली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट एंड कंटिन्यू अंटिल कंप्लीशन ऑफ करंट ऑडिट एंड ये आ गया मेन जिसके ऊपर एमसीक्यू बेस्ड है प्लानिंग इंक्लूड्स कंसीडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड ऑडिटर प्रोसीजर्स एग्जाम्पल्स थे ऑप्टेनिंग जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये हमारी क्वेश्चन में ऑप्शन थी डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर तो इस तरह से यदि आप अपने एमसीक्यूज को कवर करेंगे कि एक पॉइंट दो पॉइंट तीन पॉइंट परफॉर्मेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर या यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एज पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर तो इन एमसीक्यूज के थ्रू आप टू अ ग्रेटर एक्सटेंट जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का कंटेंट है उसे भी लर्न कर पाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ऑडिट प्लान अगेन ट्रू की बात हुई टू प्लानिंग डिसीजन ऑडिट प्लान में चेंज किया जा सकता है ऑडिट स्ट्रेटेजी में चेंज किया जा सकता है ड्यू टू अन एक्सपेक्टेड इवेंट ड्यू टू चेंजेस इन कंडीशन ड्यू टू ऑप्टेनिंग ऑडिट एविडेंस बाई परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर तो यह तो हो गया गलत ऑडिट प्लान इंक्लूड कोशन ऑफ प्लान रिस्क असैसमेंट प्रोसीजर गलत ऑडिट प्लान में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट को डिटर्मिन किया जाता है चेंजेस इन ऑडिट प्लान कैन नॉट लीड टू चेंज इन ऑडिट स्ट्रेटजी ये भी गलत हमने ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान के बीच में क्या रिलेशन है उसकी बात की थी ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान दोनों क्या है आपस में दे आर इंटर रिलेटेड चेंजेस इन वन मे ब्रिंग चेंजेस टू अनदर तो ऑडिट प्लान का चेंज ऑडिट स्ट्रेटजी में चेंज ला सकता है गलत यहां पर लिखा है कैन नॉट तो ये ट्रू नहीं है ऑडिट प्लान हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड बाय ऑडिटर यस, ऑडिट प्लान ऑडिट स्ट्रेटजी, चेंजेस इन ऑडिट प्लान एंड स्ट्रेटजी, इन सब का डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है तो चलिए डॉक्यूमेंटेशन के टॉपिक को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ऑडिट प्लानिंग का डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड टू ऑडिट स्ट्रेटी एंड ऑडिट प्लान एंड रीजन फॉर देंजेस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑडिट प्रोग्राम ऑडिट प्रोग्राम इज ए डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्निक्स प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ये तो इंक्लूडेड होता है डेट ऑफ चेकिंग इंक्लूड होगा नेचर और टाइप ऑफ प्रोसीजर ये भी इंक्लूड होगा प्लानिंग ऑफ आर ए पी प्लानिंग ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर तो क्या ये ऑडिट प्रोग्राम का पार्ट है नहीं ये एक प्लानिंग एक्टिविटी के अंदर इनिशियल स्टेज पर डिटरमिन कर लिया जाता है ऑडिट प्रोग्राम इज ए ऑडिट प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड द प्रोसीजर्स जो हमें परफॉर्म करनी है तो यहां पर इसमें ये इंक्लूड नहीं होगा प्लानिंग ऑफ ऑफ आरएपी द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम ऑडिट प्रोग्राम का एक एडवांटेज है इट एक्ट एज ए गाइड फॉर ऑडिट ऑफ कमिंग ईयर फ्यूचर रेफरेंसिस के लिए इट फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट बिल्कुल ठीक इट सर्व एज अल्टर फॉर असिस्टेंट इट इज डिस इट सर्व एज ए प्रूफ ऑफ वर्क डन बाय दर तो देखो यहां से तीन एडवांटेज आप याद कर सकते हैं इट एक्ट एज ए गाइड फॉर ऑडिट फॉर कमिंग इट फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट it serves as a proof of work done by the auditor next which of the following is most important principle for formulating an audit plan gaining knowledge of client workforce no gaining knowledge of client's business yes obtaining understanding of the client's business its operations its activities इट्स एनवायरमेंट इंटरनल कंट्रोल दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जिस पर हमारे प्लान बेस्ड होते हैं वेंडर्स नो टैक्स लॉस नो नेक्स्ट प्लानिंग इज डैश प्रोसेस ऑफ ऑडिट दट ऑफन बिगेन्स शोर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट एंड कॉन्टिन्यू अंटिल द कंप्लीशन ऑफ करंट ऑडिट एंगेजमेंट इसका आंसर आप सबको अच्छी तरह से आता है प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इट इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज एक रेगुलर एक्टिविटी है जो प्रायर पीरियड के जस्ट कंप्लीशन के बाद शुरू हो जाती है कब तक चलती है टिल कंप्लीशन ऑफ करंट पीरियड एंगेजमेंट तक स्टेटमेंट वन establishment of audit strategy and audit plan are not necessarily discrete or sequential rather they are closely interrelated yes change in one may bring change to another auditor shall establish an audit strategy that guides development of audit plan of course yes ऑडिट स्ट्रेटजी हमें स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट प्रोवाइड करता है और ऑडिट प्लान हमें नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स का डिस्क्रिप्शन देता है ऑडिट प्लान इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिट तो इसका आंसर बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट फॉलोइंग इज नॉट एड्रेस्ड अच्छा नोट की बात हुई बाई ऑल ऑडिट स्ट्रेटी अभी पढ़ा ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या करती है इट से स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंड प्रोवाइड बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान तो स्कोप इन एड्रेस होता है टाइमिंग भी एड्रेस होता है डायरेक्शन भी एड्रेस होती है मॉनिटरिंग एड्रेस नहीं होती नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टडी मटेरियल में चैप्टर टू में डाला हुआ है बट एज सच ये चैप्टर टू का नहीं है रादर थ्री का क्वेश्चन है बट स्टिल आप इसको कर सकते हैं सी ए मनोज कपाड़िया ऑडिटर है एक हॉस्पिटल के विच इज ओन्ड बाय एन आई सर्जन एनुअल रिसीट तीन करोड़ रुपए ऑल आई सर्जरीज आर परफॉर्म्ड बाय हिम एंड टू आर आर डिवोटेड इन इवनिंग ऑपीडी प्राइवेट हॉस्पिटल है उसका अपना दस एम्प्लॉज है ऑडिटर ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसकी रिसीट करोड़ है हॉस्पिटल अभी था एक प्राइवेट क्लिनिक एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ टू हंड्रेड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द इंटरनल कंट्रोल एक हॉस्पिटल जिसमें 200 हंड्रेड एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं 75 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू रिसीट है उसके इंटरनल कंट्रोल डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किए जाएंगे इन कंपैरिजन टू अ प्राइवेट क्लिनिक जहां पर जो मालिक है वही डॉक्टर है वही ओपीडी में बैठता है उसी का सारा कंट्रोल है वो कंट्रोल को ओवरराइड करने की कैपेबिलिटी रखता है उस वो इस पोजीशन में है तो प्राइवेट क्लिनिक के कंट्रोल्स कम होंगे एस कंपेयर टू अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंटरनल कंट्रोल आर लाइकली टू बी मोर स्ट्रक्चर्ड इन आई सर्जन हॉस्पिटल नहीं आई सर्जन कैन नॉट इजली ओवर राइड कंट्रोल इन हॉस्पिटल गलत आपका अपना हॉस्पिटल है आप जो मर्जी कंट्रोल ओवर राइड कर दो इंटरनल कंट्रोल आर लाइकली टू बी लेस स्ट्रक्चर्ड इन आई सर्जन हॉस्पिटल वेयर एज दीज आर लाइकली टू बी मोर स्ट्रक्चर्ड इन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिल्कुल ठीक इंटरनल कंट्रोल एट ए हॉस्पिटल कैन बी इजीली ओवर रिडन मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में जहां पर अलग-अलग डिपार्टमेंट -अलग है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 200 हैं वहां पर कंट्रोल्स को ओवरराइड करना चैलेंजिंग है एज़ कंपेयर टू अ प्राइवेट क्लीनिक विच इज बीन ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ सिंगल पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑडिटर शेल एस्टैब्लिश एन ऑडिट प्लान यहीं पर गलती आ गई ऑडिटर ऑडिट प्लान को डेवलप करता है ऑडिट स्ट्रेटेजी एस्टैब्लिश होती है दैट सेट द स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट ऑडिटर शेल एस्टैब्लिश एन ऑडिट स्ट्रेटेजी दैट सेट द स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंड देयर इज नो नीड टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान आधा ठीक आधा गलत ऑडिटर shall establish an strategy hai, that sets the scope, timing, and direction of audit, एंड गाइड द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान बिल्कुल अब देखो ये अच्छी तरह से आपके माइंड में सेट हो चुकी होगी ऑडिटर शेलिशिट स्ट्रेटीक्शन ऑल ऑडिट प्लान वंस द ऑडिट स्ट्रेटीनिश इसके बाद क्या डेवलप किया जाएगा ऑफकोर्स ऑडिट प्लान को डेवलप किया जाएगा ऑडिट प्लान कैन बी डेवलप्ड सो एज टू एड्रेस द वेरियस मैटर दैट आर आइडेंटिफाइड इन द ऑडिट स्ट्रेटजी कंसीडरिंग द नीड टू अचीव द ऑडिट ऑब्जेक्टिव थ्रू द एफिशिएंट यूज ऑफ ऑडिटर्स रिसोर्सेज आपको ध्यान हो तो ऑडिट स्ट्रेटजी में आपको चार मैनेजमेंट बताई थी रिसोर्सेज की नंबर वन एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सिस एलोकेशन ऑफ क्वान्टिटी ऑफ रिसोर्सिसमेंट ऑफ रिसोर्सिस मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सिस ऑडिटर शेल डेवलप एंड ऑडिट प्लान दैट शेल इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ तीन तरह के प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एंड अदर प्लैंड ऑडिट प्रोसीजर उनके नेचर टाइमिंग एक्सटेंट नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ आर ए पी बिल्कुल सही नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ एफ ए पी बिल्कुल सही अदर प्लैंड ऑडिट प्रोसीजर ऑफ कोर्स करेक्ट तो आंसर ऑल ऑफ द एफ नेक्स्ट वेन प्लानिंग द ऑडिट ऑडिटर कंसीडर, व्हाट वुड मेक द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेटीरियली मिस स्टेटेड बिल्कुल ठीक ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है सो एज टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मेटीरियल मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्लानिंग करते वक्त जहां रिस्क ज्यादा है ऑडिटर वहां अपने प्रोसीजर्स की एक्सटेंट को बढ़ाता है ऑडिटर नीड नॉट कंसीडर गलती है वट वुड मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन मिस स्टेटेड ऑडिटर नीड नॉट कंसिडर वुड मेक द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेटीरियली मिस स्टेटेड एट द प्लानिंग स्टेज बिल्कुल के भी और बात के भी ऑडिटर नीड टू कंसिडर वट वुड मेक द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिस स्टेटेड वाइल कंडक्टिंग ऑडिट ओनली ना 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 प्लानिंग के दौरान भी ऑडिट के दौरान भी हर समय किसी भी समय कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के मटेरियल मिसस्टेटेड होने के चांसेस हैं। आई विल कंसीडर इट ड्यूरिंग माय प्लानिंग प्रोसेस तो इसका आंसर ए आएगा अच्छा यहां से अब एमटीपी, आरटीपी पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस शुरू हो गए हैं विद रेफरेंस टू एस ए क्या नाम है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर शेल डॉक्यूमेंट अभी पढ़ा तीन चीजों का डॉक्यूमेंट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान इन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड प्लान रीजंस ये भी आएगा सिग्निफिकेंट चेंजेस भी आएंगे रीजन आंसर ऑल ऑफ प्लानिंग एंड ऑडिट इन्वॉल्व प्लानिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आती है दो एंड पार्ट क्या क्या एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान बिल्कुल ठीक एस्टैब्लिशिंग ऑडिट प्लान डेवलपिंग स्ट्रेटजी एस्टैब्लिशिंग ऑडिट प्लान डेवलपिंग ऑडिट स्ट्रेटजी नो ए ऑप्शन एज पर एस ए थ्री हंड्रेड प्लानिंग इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअल एंड आइटरेटिव फेज ऑफ ऑडिट राधर ए डिस्क्रीट फेज गलत प्लानिंग इज नॉट ए डिस्क्रीट फेज राधर इट इज ए कॉन्टिन्यूअल एंड आइटरेटिव आइटरेटिव होता है फ्रिक्वेंटेटिव जो बार बार चलता है मल्टीपल टाइम मीन जिसमें चेंजेस होते रहते हैं रेगुलर एक्टिविटी है

अधूरा है बेस्ट आंसर बी ऑडिटर शैल अपडेट एंड चेंज क्या ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान एज ने क्यों चेंज होते हैं ध्यान है तीन कारण अनएक्सपेक्टेड इवेंट चेंजेस इन कंडीशन एंड तीसरा क्या था ऑडिट एविडेंसिस कलेक्टेड बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स तो ऑडिटर अपनी प्लानिंग को चेंज करता है ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट चेंजेस इन कंडीशन एंड ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन्ड फ्रॉम रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स नेक्स्ट तो इसका आंसर बी आर इलेट्रेटेड टू हिस्स टीम दट यूटिलिटी ऑफ ऑडिट प्रोग्राम कैन बी रिटेन एंड एनहांस्ड

overall audit strategy which of the following is most appropriate audit program is a detailed plan of audit strategy audit program is a set of instructions and procedures audit program can't be reviewed Nahin, regular review ki hai. audit program is a detailed plan of applying audit procedures yes प्रोसीजर्स कैसे अप्लाई करने हैं किस समय करने हैं कितने करने हैं किसने करने हैं टेक्निक क्या होगी ये detailed set of instructions, ये डिटेल्ड सेट ऑफ ऑडिट ऑडिट प्रोग्राम प्रोग्राम का पार्ट होता है इज होगीवेंट फॉर द ईयर फॉर विच इट इज प्रिपेयर इट इज यूजलेस फॉर सब्सिक्वेंट ईयर रॉन्ग इट मे बी यूज एज ए रेफरेंस फॉर कमिंग ईयर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान किसकी जिम्मेदारी है ऑडिटर की नेक्स्ट अच्छा ये क्वेश्चन अब जो थर्ड एडिशन काफी बच्चों के पास जिन्होंने पहले क्लासेस ली थी या अभी रनिंग बैच अक्टूबर ट्वेंटी फोर वाला कवर किया है उसके अंदर फोर्टीन एडिशन अवेलेबल है उसके बाद के कुछ क्वेश्चंस वो मैंने आपको एक एडिशनल क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके गूगल ड्राइव पर अपलोडेड है हमारी वेबसाइट के अमेंडमेंट सेक्शन में भी अपलोडेड है वहां पर ये सारे एडिशनल क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने अपनी फाइल में यहीं पर कंपाइल कर लिए डिस्कशन के परपस से चलो अब ये क्वेश्चन हो सकता है आपकी बुक में हो हो सकता है ना हो तो अब जरा सोचिए और जवाब दीजिए इसका सी ए प्रिंस आफ्टर डेवलपिंग द ऑडिट स्ट्रेटजी डेवलप एन ऑडिट प्लान बट फाइंड ए नीड टू रिवाइज द मटेरियलिटी अभी पढ़ा है ना डिटर्मिनेशन ऑफ मेटीरियालिटी प्लानिंग स्टेज का पार्ट होता है बट बाद में लग रहा है मेटीरियालिटी को रिवाइज करना है दियर फॉर अ डेविएशन फ्रॉम द ऑलरेडी सेट स्ट्रेटी इज फेल्टी उसको लगता है ऑडिट स्ट्रेटजी में एक डेविएशन चेंज की आवश्यकता है क्या करें ड्रॉप द ऑडिट क्यों ऑडिट क्यों छोड़ दे ऑडिट स्ट्रेटजी चेंज कर लो ना डिवाइज अ न्यू ऑडिट प्लान एंड देन चेंज द स्ट्रेटी एज पर रिवाइज प्लान पहले प्लान बना लो वेरी गुड अरे जनरली पहले स्ट्रैटेजी बनती है फिर प्लान बनता है जनरली फर्स्ट मोडिफाई द ऑडिट स्ट्रैटी प्रिपेयर द ऑडिट प्लान अकॉर्डिंग टू द मोडिफाइड स्ट्रैटेजी ऑगस्ट ट्वेंटी फोर के मोक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है cay has started planning for audit of a listed company in this respect he is considering all the matter relating to acceptance of audit assessment of compliance with ethical requirements including independence consideration regarding use of analytical procedure as rap common understanding regarding the terms of engagement डॉट फॉल अंडर द प्रिलिमिन्री एंगेजमेंट एक्टिविटीज आपको ध्यान होगा प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज हमारी प्लानिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले आती है और तीन एक्टिविटीज आती है उसके अंदर प्रोसीजर्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप प्रोसीजर्स रिगार्डिंग एंश्योरिंग कंप्लायस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इन डिपेंडेंस एंड मन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्री टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद द क्लाइंट ये तीन प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का पार्ट होती है परफॉर्मिंग क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस एस्टेब्लिशिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इवेलुएटिंग कंप्लायस विद एथिकल रिक्वायरमेंट तो ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज हैं क्वेश्चन ने हमें जो बताया वो ये बता दिया प्लानिंग का पार्ट यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर तो अब बताओ इसमें से कौन सा प्रिलिमिनरी का पार्ट नहीं है ये तो है ये भी है ये नहीं है यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी परफॉर्म एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर नेक्स्ट सेप्टंबर ट्वेंटी फोर के एग्जाम में आया है सितंबर ट्वेंटी फोर ऑनवर्ड इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बुकलेट भी स्टूडेंट को अलाउ की है वो एग्जाम के बाद अपने साथ ले जा सकते हैं तो अब हमारे पास एग्जाम के क्वेश्चन भी हैं। आर डी बी एंड कंपनी अपॉइंटेड एज स्टेट्यूटरी ऑडिटर ऑफ आई एन ए ग्रुप ऑफ होटल दिस इज द फर्स्ट टाइम फर्म इज ऑडिटिंग एंड इंडस्ट्री इन फूड एंड बीवरेजेस एंगेजमेंट पार्टनर आर एंड अदर में टीम अंडर टेक द एक्टिविटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान थ्रू अंडरस्टैंडिंग द होटल बिजनेस एंड इट्स एनवायरमेंट बिल्कुल ठीक है एज पर एस एंड्रेड डेस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोविंग मैटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेवलपिंग ऑडिट प्लान ऑडिट प्लान में तीन चीजें आती हैं. RAP, FAP and other planned audit procedure. देखो से क्या नहीं है डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान का पार्ट है नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लैंड एफ एपी ये भी प्लान का पार्ट है नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ रिसोर्से यह तो

प्लानिंग का पार्ट नहीं होता अदर प्लैंड ऑडिट प्रोसीजर यह प्लानिंग का पार्ट है तो इन एमसीक्यूज में सितंबर 24 एग्जाम के क्वेश्चंस भी मैंने सच अपडेट कर दिए तो हो गए जी हमारे इस चैप्टर के इंडिविजुअल एमसीक्यूज अब इसकी केस स्टडी पर चलते हैं केस स्टडी इस चैप्टर में एक सिंगल केस स्टडी है अभी तक सारे आर में, पीज में पास्ट एग्जाम में, थी? या स्टडी मटेरियल, या बोर्ड ऑफ़ स्टडीज़ स्टडीज़ पोर्टल के ऊपर जो भी केस हुई हैं, सिर्फ एक सिंगल केस स्टडी बाकी ऐसा नहीं है कि इसके क्वेश्चन केस स्टडीज में नहीं है वो कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी में है हमारे पास लगभग बहुत अच्छा रिसोर्स है केस स्टडी का लगभग नब्बे के अराउंड केस स्टडी है ठीक जिनसे आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं लगभग 78 79 तो आपकी बुक में ही लगी हुई है और उसके अलावा 10 12 केस स्टडी और जो नई आरटीपीज एमटीपीज एग्जाम में आई हैं वो उन एडिशनल क्वेश्चंस की पीडीएफ में लगी हुई है तो वो एडिशनल क्वेश्चंस की पीडीएफ हमारी वेबसाइट के एलएमएस पर अमेंडमेंट सेक्शन में भी पड़ी है और आपकी गूगल ड्राइव पर भी अपलोड है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने उसको अपलोड कर रखा है कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं चलिए एक केस स्टडी है और ये जो केस स्टडी है ये है हमारे स्टडी मेटीरियल की आईसीए के स्टडी मटेरियल कोर एंड एसोसिएट्स सोल प्रोप्राइटर फर्म ऑफ सिमरन कोर इज ऑफर्ड अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट फॉर द फर्स्ट टाइम सिमरन कोर ऑडिटर की ऑफर है फर्स्ट टाइम शी इज फैक्ट चेकिंग अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ प्रमोटर्स एंड की मैनेजरियल पर्सन ये क्लाइंट एक्सेप्टेंस का प्रोसीजर आ गया मैटर सच एज कम्पिटेंसी क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टीन्यूंस प्रोसीजर एज ए पार्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज required to obtain vital information about the client so as to decide about the integrity of owner key management promoters

प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या था टू ऑप्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट बिजनेस वही कर रही है ये द दर्पज ऑफ प्लान इंक्वायरी एंड विजिट इज टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट नाउ शी इज परफॉर्मिंग आर ए पी एज ए पार्ट ऑफ प्लानिंग एज ए पार्ट ऑफ प्लानिंग डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये क्या होता है ऑडिट प्रोग्राम

ड्यूरिंग द मैन्यूफैक्चरिंग प्रोसेस लेकिन इसके रिगार्डिंग एंगेजमेंट टीम को कोई इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं है क्यों प्रोग्राम में कवर नहीं किया अब ऐसा थोड़ी है कि प्रोग्राम एक बार बन गया तो उसको चेंज नहीं कर सकते यू मे रिव्यू द प्रोग्राम एंड मेक नेसेसरी चेंजेस ठीक है ना अब देखते हैं। ऑडिटर इज चेकिंग अबाउट प्रमोटर की मैनेजरियल पर्सन शी इज ऑल्सो कंसिडरिंग कंपिटेंस ऑफ स्टाफ ये कर क्या रही है वट इज शी ट्राइंग टू डू शी इज ट्राइंग टू परफॉर्म प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज तीन होती हैं प्रोसीजर्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट नंबर दो कंपिटेंसी ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स उसके लिए और और क्या है एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या हम एथिकल रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस कर पा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स तो शी इज कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज जिसमें तीन एक्टिविटीज आती हैं क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड प्रोसीजर्स कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इन एंड ऑप्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और क्लाइंट एक्सेप्टेंस के लिए क्या क्या वाइटल इंफॉर्मेशन एक्वायर करनी होती है अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रमोटर्स की ओनर्स एंड द मैनेजमेंट एंड कंपिटेंसी ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर एंड अगेन रेलिवेंट कंप्लायस ऑफ रेलिवेंट एथिकल रिक्वायर सेकेंड कंसिडरेशन ऑफ नंबर एंड लोकेशन ऑफ ब्रांचेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफ आर एफ एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन ये सब क्या है दीज आर द कंसिडरेशन ज्यूरिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी रिक्वायरमेंट ऑफ एफ आर एफ दैट इज वॉट जो पहला पॉइंट था आइडेंटिफाइंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट ध्यान आ रहा है ऑडिट स्ट्रेटजी का जो पहला हमारा पास पॉइंट आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट में एफ आर एफ एप्लीकेबल टू द एंटिटी फिर इसके बाद नंबर एंड लोकेशन ऑफ ब्रांचेस वॉल्यूम ऑफ ट्रांसैक्शन एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन टाइम टेबल फॉर द रिपोर्टिंग और स्कोप टाइमिंग डायरेक्शन तो यह डिटर्मिन करता ही करता है तो यह सारी चीजें किससे रिजेंबल कर रही है वो करके आ रही है शी इज एस्टैब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रेटी टेकिंग इन टू अकाउंट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लैंड इंक्वायरी एंड विजिट इंक्वायरी करना चाह रही है वो फ्रॉम द एम्प्लॉज इन द प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट शी इज प्लानिंग टू विजिट द प्लांट फैसिलिटीज प्लैंड इंक्वायरी एंड विजिट फॉल इन द एरिया ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी नहीं यहां पर तो आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं क्लाइंट की तो आप ऑडिट प्लानिंग की तरफ बढ़ चुके हैं क्वाइरी एंड विजिट आर प्लैंड आर एपी यस ऑब्जेक्टिव क्या था उसका टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट दैट इज आरएपी ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है द सेट डिस्क्रिप्शन इज नॉट रिलेटेड टू ऑडिट प्लानिंग गलत प्लैंड इंक्वायरी एंड विजिट ऑडिट प्रोग्राम में ना ऑडिट प्रोग्राम डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड टेक्निक्स होता है बी व्हाट इज डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू असिस्टेंट अरे भैया ऑडिट प्रोग्राम बिल्कुल आसान है नेक्स्ट द इशू ऑफ जनरेशन ऑफ स्क्रैप हैज बीन ओवरलुक्ड इन द डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू एंगेजमेंट टीम व्हाट शुड बी द प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन जो इंस्ट्रक्शंस पहले दे रखी थी उसे चेंज करना है रिवाइज करना है स्ट्रेटजी में भी रिवाइज प्लान में भी रिवाइज बट यहां पर एक पर्टिकुलर ट्रांसेक्शन है तो प्रोग्राम चेंज करना ज्यादा बेटर रहेगा बाकी क्वेश्चन के ऑप्शंस पर देख लेंगे इग्नोर दिस इंफॉर्मेशन नो मॉडिफाई द अर्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ओके लिव द मैटर टू विजडम ऑफ एंगेजमेंट टीम ऐसे नहीं छोड़ सकते बॉ इन कोर्ट ऑफ मैनेजमेंट नो 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 हम चेक करेंगे इट इज आर ड्यूटी तो आंसर विल बी बे सो दिस इज अबाउट द केस स्टडी ओवर द ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम तो इस चैप्टर के हमारे एमसीक्यूज अप टू सेप्टर ट्वेंटी फोर एग्जाम्स तक के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं जिसमें सारा स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल के क्वेश्चंस आरटीपीज एमटीपीज पास्ट एग्जाम सारे क्वेश्चंस जो भी अवेलेबल थे वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया अब आपका मेन काम जो है इस नॉलेज को रिटेन करने के लिए रेगुलर रिविजन जरूर करिएगा एंड फॉर द परपज ऑफ रिविजन ये क्लास नोट्स आपको हेल्प करेंगे इन क्लास नोट्स में से आप इन कॉन्सेप्ट को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं तो इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ थैंक यू वेरी मच गुड बाय